नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में लगातार लखनऊ घंटाघर में 57 दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है और बारिश भी लगातार हो रही है। और हम महिलाओं के साथ बात कर रहे हैं तो महिलाओं का ये कहना है कि हमारे घरों में लगातार पुलिस दबिश डाल रही है। और हमारे साथ मौजूद हैं झांसी की रानी उज्मा परवीन, हम उनसे जानना चाहेंगे जो हुआ है कल आपके साथ, वो हमें बताइए। देखिए, रात भर हम लोग पहले तो यहाँ बारिश में रहे, फिर ओले एकदम से गिरने लगे तो हमारी तबीयत खराब हो गई और हम बेहोश हो गए, तो हमें हॉस्पिटल ले जाया गया। फिर हॉस्पिटल के बाद वहाँ रहे थोड़ी देर, 2-3 घंटा, फिर हमको यहाँ भेज दिया गया घंटाघर। फिर उसके बाद घर से फोन आता है कि पुलिस ने दबिश डाल दी है घर में और हमको पूछ रही है उज्मा परवीन कहाँ है, और मतलब हमारे हस्बैंड को पूछ रही है। तो देखिए, इस तरह से ये जुल्म कर रहे हैं रातों रात, हर एक के घर में, किसी एक के घर में, हर एक के घर में, हर एक महिला के घर में दबिश डाल रहे हैं और हमें कोशिश कर रहे हैं दबाने की, खामोश कराने की, कि हम खामोश होकर हम अपने घरों में बैठ जाएं। तो इस तरह का ये क्या करना चाह रहे हैं, मेरे तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि प्रशासन शासन मिलकर कौन सा घिनौना रूप खेल रहे हैं। ये क्यों हमें डरा रहे, धमका रहे, हमारी गलती क्या है, हमारी कसूर क्या है? हमारा कसूर ये है कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गांधीवादी होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हिंसा फैलाना हमारा काम नहीं है, हम अहिंसा वाले लोग हैं। और हम बार बार हमेशा ये कहते रहे, देखिए हमने कुछ ऐसा नहीं किया, हम तो सिर्फ देश बचाने निकले, संविधान बचाने निकले, अपने लोगों को बचाने निकले कि कहीं सड़कों पर खून न बहे, लोग खून की होली ना खेलें। और आज हमने एक मानवता का लोगों के आगे पैगाम रखा, होली का पैगाम रखा, तो लोगों ने उस पर उंगलियां उठाई। हम उन चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो, उन मजहब के लड़वाने वालों से ये कहना चाहते हैं कि ये लड़ाई खत्म करिए, खून बहाना खत्म करिए, आपस में मिल जाइए। आज अगर हम एक नहीं हुए, हमारा हिंदुस्तान बर्बाद हो रहा है, हमारा देश बर्बाद हो रहा है। किस जगह हम जा रहे हैं, कहां, किस घाई में गिरते चले जा रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? औरतें महफूज नहीं है, हमारी इज्जतें महफूज नहीं है। आज हम खुले आसमानों के नीचे बैठे, हमें टेंट लगाने की इजाजत नहीं दी जाती, 4 महिलाएं यहाँ शहीद हो जाती है, उसका जिम्मेदार कौन है? हमें बताइए कौन जिम्मेदार है उसका? जैसा कि आप लगातार आरोप लगा रही हैं कि आपके ऊपर आपके घर में दबिश डाली जा रही है, तो इसकी शिकायत आपने किसी आला अधिकारी से करी? देखिए, हमने किसी से अभी कोई शिकायत नहीं करी, हम इनको माफी देते आए, हम इनको माफ करते आए, क्योंकि हमारा काम है, हम गांधीवादी लोग हैं कि एक थप्पड़ मारो तो दूसरा गाल आगे कर दो। हमने इनको माफ किया, लेकिन जब बात घर पे आई, परिवार पे आई, बच्चों पे आई, हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे सहम चुके हैं, डर रहे हैं। ये केस क्या कर रहे हैं आप, मासूमों को डरा रहे हैं, बंद करिए तमाशा। लेकिन अगर आप सोचते हैं, डर जाएंगे, ये आंसू हमारे बच्चों के लिए, डर से नहीं है ये आंसू खौफ के आंसू नहीं है, ये मेरे मासूम बच्चों के लिए जिनको डर हो गया है, जिनको खौफ हो गया है। लेकिन हम डरे नहीं हैं, हम आज भी यहाँ मौजूद हैं और हम खड़े रहेंगे, हम उस वक्त तक यहाँ खड़े रहेंगे जब तक ये तीर काले कानून ये वापस नहीं लेते, देश की स्थिति सुधर नहीं जाती, खून बह रहा है सड़कों पर वो खत्म नहीं जाता, आपस में मानवता नहीं जुड़ जाती, तब तक हम यहाँ रहेंगे। जैसा कि बारिश भी हो रही, लगातार मौतें हो चुकी हैं, तो इस पे आप कब तक प्रोटेस्ट जारी रख पाएंगी आप? देखिए, हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा, ये हमें धमकाएं डराएं दबिशे डाले घर पर, हमारा खून बहा दें, हमें मेरे एक एक खून की बूंद ले ले, लेकिन हम आज हम जो यहाँ खड़े हैं वो हम अपना संविधान बचाने के लिए खड़े, हम अपना देश बचाने के लिए खड़े, और हम उस वक्त तक लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक ये सरकार ये प्रशासन अपने रूप को बदल ना ले, क्योंकि इनको बदलना पड़ेगा। अगर ये नहीं बदलेंगे तो हम जेल भरो आंदोलन कर देंगे। अब हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम जेल भरो आंदोलन का हम ऐलान करते हैं कि अगर इन्होंने अपनी तानाशाही बंद नहीं करी और अपने इस तीनों काले कानून को वापस नहीं लिया, तो हम सब औरतें ये डिसाइड करते हैं कि हम जेल भरो आंदोलन कर देंगे और इनके जेल में इतनी जगह नहीं होगी कि ये हमको भर पाए, और वहां भी हम इनकलाब 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 बोलेंगे। और हम अपनी शेर के साथ बात खत्म करते हैं कि 57 का हिंदोस्तां देख लो तुम, 57 का हिंदोस्तां देख लो तुम, है झांसी है रानी है हजरत महल है, मिटेंगे ना अपने निशा देख लो तुम, कि दुनिया लिखेगी किताब, इनकलाब इनकलाब इनकलाब, जय हिंद जय भारत। लखनऊ में 72 घंटे का बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और इन महिलाओं का आरोप है कि पुलिस लगातार इनके घर में दबिश डाल रही है।
और तो ये महिलाएं लगातार यहाँ पे मौजूद हैं और 24 घंटा प्रोटेस्ट जारी रखा है। ये डर की वजह से घर भी नहीं जा पा रही हैं, जिसकी वजह से 4 महिलाओं की मौत हो गई है। जिस तरह से लखनऊ घंटाघर प्रोटेस्ट में महिलाओं का बयान आया कि पुलिस उनके घर में लगातार दबिश डाल रही है और उनके परिवार को परेशान करा जा रहा है, दरवाजे तक तोड़ने की खबर आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ हमने जब पुलिस की प्रतिक्रिया जानी तो ठाकुरगंज थाने के प्रभारी जो हैं प्रदीप मिश्रा, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो लोग 19 दिसंबर प्रोटेस्ट में शामिल थे उनको चिन्हित करने के बाद हम उनके घर पर दबिश डाल रहे हैं और ये कार्रवाई कर रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लगातार दबिश डाल रहे हैं और जो जो चिन्हित चेहरे हैं हम उनके लिए इस प्रतिक्रिया को जारी रखे हुए हैं। मैं आकिब मिराज खान, कैमरा पर्सन नौशाद खान के साथ लिमरा न्यूज़ लखनऊ।